नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एक बेहतरीन एक नए वैकेंसी के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखें। चलिए हम पूरी चीज जो है हर एक चीज को यहाँ पर समझते हैं, बारीकी से देखते हैं ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल सके। और एक एक चीज यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा कुछ जो है आपको न्यू वैकेंसी मिल रही है, पूरी की पूरी न्यू है। देखिए यहाँ पर बिहार सचिवालय सहायक की जो भर्ती है वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एज होता है वो 21 से 37 साल के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो। एससी एसटी को यहाँ पर 42 साल तक का छूट मिलता है, वो अप्लाई कर पाते हैं। फीस जो है वो मात्र 500 रुपये होती है और एससी एसटी के लिए 135 रुपये यहाँ पर होती है। यानी कि ये पोस्ट में फीस भी कम हो जाती है और साथ ही में यहाँ पर आपको जो है मौका मिलता है अच्छे खासे समय तक आपका एज रिलैक्सेशन और एज के बिहाफ पे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए आपका जीके स्टॉर्म होना जरूरी है, जीके जीएस में क्योंकि 50 क्वेश्चन मिलते हैं, मैथ में 25, साइंस में 25 और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि जीएस अगर जीके जीएस अगर आप मजबूत है और रीजनिंग आप अगर ठीक ठाक बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होना कोई रोक नहीं सकता। हिंदी में यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए बोला जाता है, हिंदी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आप ला करके यहाँ पर पास कर पाएंगे। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, कुछ पदों में टाइपिंग टेस्ट भी होता है वो होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है किया जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे पद है जैसे सहायक वगैरह अगर देखेंगे, निदेशक वगैरह, तो उसमें टाइपिंग लगता है और किसी किसी पद में नहीं भी लगता है। वो एक नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल आएगा उस समय हम आपको पूरी बारीकी से बता देंगे। लेकिन इसी बीच आपको क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री है तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी बैकग्राउंड से हो आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करने का मौका मिल पाता है। अभी टोटल यहाँ पर 2321 वैकेंसी खाली बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और हो सकता है जब इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर निकले तो ये 5 गुना वैकेंसी जो है बढ़ जाए और आपको जो यहाँ पर अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल जाए। अभी इसकी अप्लाई डेट और ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई, क्योंकि अभी कुछ हाल ही दिनों में यहाँ पर जनरल इलेक्शन थे, इलेक्शन ख़त्म हुआ है, अब सारी प्रक्रिया शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो आपको बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर बिहार के सचिवालय सहायक की जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। इसके ऊपर कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएगी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।